हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आपने आईआईटी एग्जाम का एग्जाम दिया है तो अगर आप एनआईटी से एमएससी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा और कब तक वेट करना होगा। जैम 23 का रिजल्ट आ चुका है, आईआईटी जैम के एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं, बट एनआईटी के लिए अभी तक नहीं स्टार्ट हुआ। मतलब आईआईटी में एडमिशन लेने का जो प्रोसेस था वो स्टार्ट हो चुका है। तो एनआईटी में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना होगा और एनआईटी में एडमिशन लेने के लिए इसका जो भी प्रोसेस है कब से स्टार्ट होगा, इसके बारे में आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आपको अगर एनआईटी में एडमिशन लेना है, हो सकता है आप पहले से डिसाइड कर लिए हो कि भाई आपको इस एनआईटी से एमएससी करनी है, या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको जैम में अच्छे स्कोर उतने अच्छे नहीं आए कि आप आईआईटी में जा सके। अब आपने डिसाइड किया कि चलो भाई अब तो मैं एनआईटी से ही एमएससी करता हूं। तो चलिए बात करते हैं कि एनआईटी से अगर आप एडमिशन करना लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सीसीएमएन के थ्रू जाना पड़ेगा। तो यहां पर बात करते हैं सीसीएमएन का मतलब क्या है, सेंट्रलाइज काउंसलिंग फॉर एमएससी और एमएससी टेक एडमिशन। तो यहां पर क्या होता है, अगर आप जैसे कि एनआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इस तरह सीसीएमएन के थ्रू जाना पड़ता है। सीसीएमएन की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट के थ्रू आप जाकर रजिस्टर करेंगे या अप्लाई करेंगे तो वहां से आपको एडमिशन मिलेगा। डिफरेंट डिफरेंट एनआईटी में आपको अपना चॉइस डालना होगा। और हां, अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि भाई सीसीएमएन 2023 आखिर कब से स्टार्ट होगा, तो यहां पर मैं बता दूं कि अभी ये तो नहीं स्टार्ट हो रहा, लगभग ये जून में जाकर स्टार्ट होगा। तो अभी आप लोग क्या कर सकते हैं, आईआईटी जैम के एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब आपको आईआईटी जैम में जो आपका अगर आईआईटी जैम के थ्रू आईआईटी में एडमिशन नहीं मिल रहा तो उसके बाद आप सीसीएमएन के थ्रू आप एनआईटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो अभी आप अप्रोक्सीमेटली मान के चल सकते हो कि जून तक इसका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और सीसीएमएन की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही होगा, ठीक है। तो यहां पर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ और इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए आप सीसीएमएन के थ्रू जाना चाहते हैं तो यहां पर कौन कहां कहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि आप क्या कर सकते हैं, जैम स्कोर के बेस पे ही। ये एक्चुअली यहाँ पर मैंने अभी वहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ है तो ये 22 का इन्फॉर्मेशन है। सिमिलरली आप 23 के लिए कर सकते हैं। तो देखिए, अगर इस साल आप एडमिशन लेना चाहते हैं, सबसे पहली बात जैम 23 का आपको स्कोर लगेगा यहाँ पर। मतलब आप जैम 23 का एग्जाम दिए होने चाहिए, जैम 23 का एग्जाम आपको देना है और उसके साथ साथ जो क्वालिफाइंग था उसे आपने कट ऑफ को क्लियर किया हो, ये तो होना ही चाहिए। उसके साथ साथ पहली बात, यहाँ पर सिर्फ दो ही तरह के कोर्सेस अवेलेबल हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड पीएचडी या ये सब इस तरह के कोर्स नहीं है यहाँ पर। आपको एक तो सिंपल एमएससी मिलने वाला है, अदरवाइज आपको एमएससी टेक मिलेगा। सिर्फ दो ही प्रोग्राम अवेलेबल हैं। तो सीसीएमएन के थ्रू आप कहाँ कहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, एक तो आप एनआईटीज में एडमिशन ले सकते हैं, आईआईईएसटी में एडमिशन ले सकते हैं या जीएफटीआईज में एडमिशन ले सकते हैं। सारे जीएफटीआईज नहीं, कुछ जीएफटीआईज भी एडमिशन देते हैं। एक तो ये हो गया कि आपको कहाँ पर एडमिशन मिलेगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और जरूरी चीज ये है कि एलिजिबिलिटी क्या होगी आपको सीसीएमएन में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो चलिए यहां पर आपको बता देता हूं। तो यहां पर देख लीजिए, तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया, सबसे पहले आप जैम इस साल आप अप्लाई कर रहे हैं तो जैम 23 का आप एग्जाम क्रैक किए, मतलब कट ऑफ एटलीस्ट आपका क्लियर होना चाहिए जैम 23 का। तो अगर आप कट ऑफ क्लियर किए हो, उसके बाद अब बात आती है कि उसके बाद क्या लगेगा। एक तो आपका डिग्री सर्टिफिकेट लगेगा जो बीएससी या ग्रेजुएशन करते वक्त आपने किया है। तो यहां पर ध्यान रखिए, अगर आपका जो रिजल्ट है अगर वहां पर सीजीपीए है तो आपको 10 में से 6.5 लाने होंगे, ठीक है। 10 में से कितने सीजीपीए आपको चाहिए, 6.5 चाहिए। या मान लीजिए कि चलो ये नहीं है, अगर परसेंटेज है तो उस केस में आपको 60% लाना है। अगर आप किसके कैंडिडेट हैं, जनरल के हो या जनरल ईडब्ल्यूएस के हो, ओबीसी के हो, तो उस केस में आपको 60% लाने होंगे। अगर मान लीजिए इस कैटेगरी के अलावा आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी यहां से हो तो उस केस में आपको क्या लाना पड़ेगा, अगर सीजीपीए है तो आपको 6 सीजीपीए चाहिए, अगर परसेंटेज है तो आपको 55% की जरूरत पड़ेगी यहां पर एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो यहां पर ये देख सकते हैं, इसमें एडमिशन लेना चाहते हो, एनआईटी से एमएससी करना चाहते हो, सीसीएमएन के काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको
सेटिस्फाई करना होगा, मतलब आपका जैम स्कोर होना चाहिए 23 का, और उसके साथ साथ आपको अगर CGPA की बात करो तो 6.5 होना चाहिए जनरल के लिए या OBC के लिए, और SC ST के लिए आपको 6 चाहिए, और परसेंटेज में तो फिर 60 और 55% आपका होना चाहिए। तो एक बार मैं फिर यहां से बता देता हूं आप लोगों को कि इसका जो CCMN का प्रोसेस है लगभग ये जून में स्टार्ट होगा, तो अगर आप अभी जैम के प्रोसेस में लगे हुए तो बिल्कुल आप लोग वहां पर देख लीजिए, पार्टिसिपेट कर लीजिए। तो फिर जब CCMN का वेबसाइट स्टार्ट होगा या इनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे तो मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म करूंगा। आज के वीडियो में इतना ही, अगर आप लोगों को और कुछ डाउट है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।